दोस्तों नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं चित्रकूट के पौराणिक स्थल यानी हनुमान धारा पर। दरअसल हनुमान धारा की कहानी अपने आप में बहुत ही अनोखी है। हनुमान धारा का मतलब है एक धारा। दरअसल हनुमान जी सीता की खोज के लिए श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में लंका दहन करने के बाद अपनी पूंछ में लगी हुई आग की ज्वाला को शांत करने के लिए हनुमान धारा आते हैं। फिर हनुमान धारा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भेंट होती है और श्री राम से भेंट होने के बाद वो अपने पूंछ की समस्या को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बताते हैं कि मेरे शरीर में जलन हो रही है, तपन हो रही है, आप इसका इलाज करिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने बाण से एक धारा निकाली। उस धारा का नाम हनुमान धारा है और कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस धारा का कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, यह पानी कहाँ से निकला है इसका स्रोत नहीं पता चलता। बस एक झरना आता है और वह पानी इतना शीतल है, इतना पेय है, इतना मीठा है, लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई है। हनुमान धारा आने के बाद एक सुकून मिलता है। उस सुकून पे हम सब खड़े हैं।